او ميجا فان فير دي صحیح نو مونږ د اصل کوچ مونږ به ډیفرنت سټوډنټس نو تاسو کوو چې داګه د دې فن فیر باندې کې سره ایږي او مونږ رول د مونږ مرګري دی عباس خان جی جی هغه نو تاسو کوو چې هغه دې باندې کې سره ایږي جی عباس صاحب دا فن فیر خو ډیر زیاته مزه وکړه او زموږ نیو نیو ایکسپیرینس شو مونږ سٹار لګولې دې د سٹار ایکسپیرینس شو دا ټول په ډیفرنت جغرافي نو ته دا وګوره ګرافیک سمو دي دراولې دا سپورټس کار یې आज के दिन के हवाले से आपका क्या इस घर ख्याल है? बहुत अच्छा है, पार्टी भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा लोग भी आए हैं और आर्ट एग्जीबिशन है, इसमें कार शो भी है और ऐसे मतलब एग्जीबिशन होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनकी एजुकेशन में और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट हो। और आप खुद कहाँ से? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, एफएससी में हूँ। अच्छा, तो मैं आप अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप अभी एफएससी में हैं और आपके इतनी टैलेंट से कि आप आर्ट और डिज़ाइन में इतनी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रही है, तो हम आपको अप्रिशिएट कर रही है। आपके साथ और कौन कौन है? मेरे साथ मेरी बहन आई है, वो डिप्टी करती है। अच्छा, और हम बेसिकली यूनी में रहते हैं लेकिन यहाँ हम स्टडीज के लिए आए हैं। चलो ठीक, ये भी करते हैं। थैंक यू, वेलकम जी। सिस्टर, आप कितनी हवाले से बताए कि आपने जो बनाई है इसका अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले करूँ और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज आई गेट टू नो मैनी न्यू आर्टिस्ट। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई एंड मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मैं जाके और भी प्यारी पेंटिंग एंड सम ऑफ द पेंटिंग्स दैट आई मेड। ये जो है कुछ थीम्ड वर्क की है। इसमें आपका फेवरेट जो है जो आपने बनाया है ना, क्या कहते हैं इसके, इसका अपना फेवरेट कौन सा है कि आप खुश होते हैं कि उसको देखते हैं आप? अच्छा, इसमें अभी बहुत सारे हैं, लाइक इफ आई से स्केच्ड वर्क में ये मेरा, दीस टू आर माय मोस्ट फेवरेट वर्क, ये दोनों। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट में थीम में जो है तो दिस वन इज माय मोस्ट फेवरेट। मिनी वर्क में दिस मून वर्क इज माय मोस्ट फेवरेट एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, दिस वन इज माय मोस्ट फेवरेट एंड अमंग दीस। अस्सलाम वालेकुम, तासु फेजी जे नजीब खबर कुमा दि नजीब दा मजेमा जे केवी स्टूडेंट वा गोदासी जे खबर दिन रोज खबर पदी बांधी कुमा चिरानन रोज दास इवेंट्स पकार दी जक स्टूडेंट जे मोटिवेट की गे दे दे इवेंट सरा औ दा इवेंट नु पकार दी। आज के दिन के हवाले से कुछ बताइए। आज के दिन ये जो है ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज है यहां पर, कल्चर वाला है यहां पर, जो पेंटिंग वगैरह और स्केचेस वगैरह आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वैरायटीज के वहां पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो केमी ने प्रोग्राम अरेंज किया, बड़ा खूबसूरत है और बहुत एंजॉय। थैंक यू। अच्छा भाई, कैसा जा रहा है फन फेयर यार? अल्हम्दुलिल्लाह, इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। हम द मिड ब्लॉगर्स की तरफ से आए और हम आपकी पूरी टीम को, आपकी सेक्रेटरीज को और खासकर यूशा को और उनकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा हम मुबारकबाद पेश करते हैं। वेल डन एंड कीप इट अप। थैंक यू भाई, आपने क्या स्टॉल लगाया और आपके साथ स्टॉल में कौन कौन से बंदे हैं? गेम का स्टॉल लगाया है, हमारा एक ब्लॉगर टीम है, मेडिकल स्टूडेंट का, मेड ब्लॉगर्स, हमारे साथ उमर भाई है, फरहाद भाई है, हम सारे आए, बस स्टॉल भी बड़े मज़े का है, इनोवा ट्रिप भी बड़े अच्छा है और इवेंट बड़ा मज़े का है, अच्छा जा रहा है और कीप इट अप, में बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू। नन फन फेयर संग हो यार ډیر زیات انجوی کو زمو خدا ستاله مو ایون نو سره ډیر خولي گیمز وو د دې ډیر خلک را ډیر انجوی کو دا نو سره هو یار ګن ان گیم هغه هم ډیر فن دو کو زیات تر کو دا وګ مزوایر شو صحیح د سیونس پکاري شو جنرالي تاسو وینئ کنه په کوم چې اکیډمیک یونیورسيټیانی دی پشاور یونیورسيټی دا نورس یونیورسيټی دی کنه پای کې پن فیرز وی ایکسپوز وی نو تاسو سر اظهار خیالات کې مطلب چې لکه مطلب د میډیکل یونیورسيټی کې دا سی ایونټس پکاري دي مطلب سټوډنټس کوم دی کو کلر ایکټیویټیز रुझान से वाकई की बिल्कुल पकार दी जैसे कि और स्टडीज को नहीं पकार दी एंजॉयमेंट हम की तमाम की दी बस फोर काल चले दी स्टडी स्टडी स्टडीज मेड्स आ रहे हैं, फाइनल्स आ रहे हैं, फिर मेड्स आ रहे हैं, डिफरेंट एक्सपोस वगैरह, फन फेयर फेस्टिवल दा पकार दी जैसे कि दा दीस आर द स्टूडेंट हम लगदार से एंजॉय कर दी वो लगा शानदार स्टडी वगैरह हम चले आगे बचा। थैंक यू भाई।
जी नुमा अपना वॉलेट दिखाए। चलो चलो नुमान अपना वॉलेट दिखा रहे हैं। आज के दिन के बारे में कोई अपने ख्याल का इजहार करे। आज के दिन के बारे में मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले ने जो ऑर्गेनाइज किया सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये है कि धूप का कोई बंदोबस्त नहीं कर, टेंट वेंट अच्छे से लगाने चाहिए, अच्छे से एंटरटेन करना चाहिए था। जितने स्टूडेंट्स हैं वो धूप में थक डांस कर करके थक गए हैं। सही है, अभी जो मैदान है वो खाली हो गया जी, क्योंकि जूस भी बहुत ज्यादा महंगा था, तो बेचारे वो क्या करते। सादा पानी भी कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात है कि स्टॉल अच्छे लगे हुए हैं और सब अच्छी खासी सेल हो भी रही है, लेकिन ये है कि बस ये गर्मी है ना, गर्मी का कोई बंदोबस्त करना चाहिए था। पंखे भी नहीं लगे हुए, और बाकी ये है कि और अच्छा जा रहा है, फन फेयर अच्छा जा रहा है, डांस वास सबने खूब किया, एंजॉय किया। और